हाय नो योर एग्जाम सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे एग्जामिनेशन की जो यूपीएससी के साथ साथ आप तैयार कर सकते हैं उनमें से एक एग्जाम है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हालांकि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट हैं बट कुछ चेंजेज हुए हैं मोडिफिकेशन हुए हैं जब से ये यूटी बना है तो आइए बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो मोर और लेस यूपीएससी सी एस सी की जैसा ही है ठीक है तो एग्जाम क्या है? के ए एस जो अभी हाल ही में ए एस तो के ए एस के नाम से यह जाना जाता है कौन करवाता है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इसे करवाती है आइए इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ठीक है तो जेके पी ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है किस चीज़ के, के लिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विस और जम्मू एंड कश्मीर अकाउंट सर्विस ये सारे एक्टिविटीज है तीन क्राइटेरिया है वही प्रम्स मेंस और इंटरव्यू जो आपको क्वालिफाई करना है अगर आप प्रिलिम्स क्वालिफाई करते हैं तब आप मेन्स देंगे और मेन्स के जो मार्क्स हैं और इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है तो एलिजिबिलिटी क्या है एप्लीकेट अप्लाइंग फॉर जेके पी शुड बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज आपकी ट्वेंटी वन से थर्टी फाइव होनी चाहिए एस सी एस टी ओ बी सी के लिए थर्टी सेवन ईयर्स है और ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम में ठीक बात करते हैं जो पहला स्टेज है वो आपका दो पेपर है जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू जीएस पेपर वन आपका जनरल स्टडीज है जीएस पेपर टू आपका, आपका सी है दोनों में सौ सौ क्वेश्चन हैं और आपके 200 मार्क्स के हैं दो घंटे का टाइम है नेगेटिव मार्किंग है ठीक है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बोथ पेपर 200 मार्क्स के जो सेम हैं आपके पिल्डिंग्स के जैसे आ, एक डिफरेंस ये है कि पिल्डिंग्स के सिलेबस में आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है लाइक हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्टीशन ये थोड़ा सा एड ऑन हैंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दो सिलेबस है वो सेम है हमारे प्रीलिम्स जो यूपीएससी सीएसी का है पेपर टू में भी सारे क्वेश्चन सारे जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी सेम है बिल्कुल सेम है जैसा हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है ठीक है बात करें स्टेज टू के एट पेपर्स है इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग है पेपर वन ऐसे है पेपर टू थ्री फोर फाइव आपका जीएस का है ढाई सौ मार्क्स के और सिक्स और सेवन आपका ऑप्शनल है जैसा हमारा होता है ये बेसिक इंफॉर्मेशन है मेंस के बारे में मेंस एग्जाम विल हैव है इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर पेपर वन विल बी एसे बेस्ड देयर विल बी फोर जीएस पेपर एंड टू ऑप्शनल पेपर्स ठीक है एक ऑप्शनल है जिसमें दो पेपर होंगे पेपर वन पेपर टू जैसा सेम आपका यूपीएससी मेंस का होता है स्टेज टू मेंस ईयर का सिलेबस है जीएस का इंग्लिश पेपर वन एस और जीएस पेपर वन जो इंडियन हिस्ट्री हेडर कल्चर हिस्ट्री जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड सेम एज जो हमने डिस्कस किया था यूपीएससी सीएससी का जनरल स्टडीज पेपर टू गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पेपर थ्री टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पेपर फोर इथिक्स इंटीग्रिटी और सिक्स सेवन जो है ऑप्शनल पेपर है तो मोर और लेस पूरा सेम है जैसा हमारा यूपीएससी सी होता है तो एज ए बैकअप उप ऑप्शन उप बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं हमने डिस्कस किया बीपीएससी बिल्कुल चेंज हो रहा है ठीक हमने डिस्कस किया यूपीपीएससी इन्होंने ऑप्शन हटा दिया नाउ दो पेपर बिल्कुल स्टेट के बेसिस पे हैं डेडिकेटेड टू स्टेट इंफॉर्मेशन जो भी जीके है आपको स्टेट के बारे में गैदर करनी है तो जैसे एम वो भी चेंज हो रहा है राजस्थान वो भी चेंज हो रहा है ये तो ये सारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं पहले था कि वन साइज फिट ऑल पॉलिसी चेंज हो रही है डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहिए बट जेके पी एस सी एक्सा एग्जामिनेशन है जो आप यूपीएससी सी एस सी के साथ साथ कर सकते हैं अगर आप जे एंड के डोमिसाइल हैं ठीक है तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई हो हाँ थर्ड पेपर जो है इसका वही इंटरव्यू है जो हमें याद रखना है जो थर्ड स्टेज है इसका ठीक ये आपका जो ऑप्शनल्स हैं वही ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं जो सेम ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यूपीएससी सीएससी में भी ठीक है थर्ड स्टेज आपका इंटरव्यू का है जो ढाई सौ मार्क्स का है ठीक है ये आपको याद रखना है ये है पैटर्न और सिलेबस जो स्ट्रक्चर है जेके पी का जो हमने डिस्कस किया आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस गेट स्टार्टेड आप यूपीएससी के साथ साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं ठीक है तो स्टे टून स्टे ट्यून फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एग्जामिनेशन पैटर्न क्योंकि पहला स्टेप किसी भी एग्जामिनेशन को तैयारी करने का है उसके बारे में जानना और इस सीरीज में हम वही करते हैं हम बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं स्ट्रक्चर क्या है सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे हम शुरुआत करें द फर्स्ट स्टेप ठीक है तो स्टेट यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हम मिलेंगे अगले हफ्ते विद सम मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एग्जामिनेशन टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर